गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है रॉयल डूंगरपुर ब्लॉग्स। गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया और 1000 के ऊपर मेरा जो सब्सक्राइबर हुए उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डूंगरपुर में, राजस्थान में, डूंगरपुर में नहीं राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव का माहौल और हलचल बहुत तेज हो चुका है। उसी चुनाव की हलचल के बीच में मैं आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो एक कवि भी हैं और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान भी हैं। तो भैया का नाम मैं भैया से ही पूछ के सीधा इंट्रोडक्शन मैं भैया से करवाऊंगा और आप लोगों ने जितना मेरे को सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मेरे को सपोर्ट करिएगा और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम चलते हैं भैया की ओर और भैया से अब भैया का इंट्रोडक्शन लेते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, सबसे पहले आप मेरे सब्सक्राइबर्स को आपका इंट्रोडक्शन। जी भैया, मैं संदीप शौर्य, पेशे से एडवोकेट हूँ और खाली समय में पोएट्री मेरा शौक है, मेरी हॉबी है। और विगत 2016 से मैं अपनी मौलिक रचनाएं लिखता हूँ, यहाँ की स्थानीय काव्य गोष्ठियों में जाकर अपनी प्रस्तुति देता हूँ और जो भी स्थानीय नवाचार कार्यक्रम कविताओं के माध्यम से एक जनजागृति संदेश को लेकर होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना योगदान कुछ दे सकूँ। मैंने इसी संदर्भ में ये मतदान महादान की मौलिक रचना भी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और शौर्य मेरा उपनाम है। काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप शौर्य क्यों लिखते हैं, तो उस पर मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी कि न्याय की दहलीज पे बैठा हूँ, न्याय की दहलीज पे बैठा हूँ, काव्य कभी गढ़ लेता हूँ, छाया हो सन्नाटा तो छोटी सी कविता पढ़ लेता हूँ, छाया हो सन्नाटा तो छोटी सी कविता पढ़ लेता हूँ, कभी वकील बन तो कभी शौर्य वन छा जाता हूँ, ओझ से मैं भी लय मिलाता हूँ, इसीलिए मैं शौर्य भी कहलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं भैया के पोइट्री की तरफ। भैया एक बहुत शानदार पोइट्री करने वाले हैं, चुनाव के चुनाव से ही कुछ संबंधित पोइट्री है, तो अब हम भैया की पोइट्री सुनेंगे। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस व्लॉग में मैं संदीप शौर्य जिला निर्वाचन मंडल के तत्वाधान में मतदान जागरूकता अभियान के तहत स्वीप प्रकोष्ठ के माध्यम से जो मौलिक रचनाएं मांगी गई थी उसमें मतदान जागरूकता को लेके मैं भी अपनी चंद पंक्तियां लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं। आशा है आप सभी का स्नेह मुझे अवश्य मिलेगा। गांव शहर और ढाणी ढाणी, गांव शहर और ढाणी ढाणी, बस यही आह्वान हो, गांव शहर और ढाणी ढाणी, बस यही आह्वान हो, जनता के जनमत शासन का सभी जगह यशगान हो, जनता के जनमत शासन का सभी जगह यशगान हो, जाति धर्म और धन प्रपंच से ना मन में भय व्याप्त हो, जाति धर्म और धन प्रपंच से ना मन में भय व्याप्त हो, मन मंदिर के प्रत्याशी को बहुमूल्य मत प्राप्त हो, मन मंदिर के प्रत्याशी को बहुमूल्य मत प्राप्त हो, मत मतांतर हो चाहे पर ना मन का भेद वो बन जाए, मत मतांतर हो चाहे पर ना मन का भेद वो बन जाए, स्वस्थ चित्त निर्मल भावों से हम शासन चुन कर लाए, स्वस्थ चित्त निर्मल भावों से
हम शासन चुन कर लाए, राजनीति के नीति पुरोधा, राजनीति के नीति पुरोधा, जनगण मन सम्मान हो, राजनीति के नीति पुरोधा, जनगण मन सम्मान हो, जिसने जनादेश सहरा बंधवाया उसका ना अपमान हो, जिसने जनादेश सहरा बंधवाया फिर उसका ना अपमान हो। हमें सूक्ष्म भाव से ऊपर उठकर, हमें सूक्ष्म भाव से ऊपर उठकर कर्तव्य भाव जगाना है, मानव मन में मतदान शक्ति का, मानव मन में मतदान शक्ति का जागृति पाठ पढ़ाना है, मानव मन में मतदान शक्ति का जागृति पाठ पढ़ाना है। अनुष्ठान है महापर्व है, अनुष्ठान है महापर्व है, सब मिलकर यह दान करें, अनुष्ठान है महापर्व है, सब मिलकर यह दान करें। बीज मंत्र है लोकतंत्र का भय मुक्त मतदान करें, बीज मंत्र है लोकतंत्र का भय मुक्त मतदान करें। आओ मिलकर हम सब, आओ मिलकर हम सब संकल्प लेकर ध्यान दें, आओ मिलकर हम सब संकल्प लेकर ध्यान दें। महादान है लोकतंत्र का, महादान है लोकतंत्र का यही समझ मतदान करें, महादान है लोकतंत्र का यही समझ मतदान करें। जय हिंद जय भारत। ये कुछ चंद पंक्तियां मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं। जिस तरह से रक्तदान महादान होता है, उसी तरह से लोकतंत्र में मतदान भी महादान से कम नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी मतदान के योग्य हैं वे अवश्य रूप से मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने का प्रयास करें। जय हिंद जय भारत। गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो और हमारे कवि साहब की कविता कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत रिक्वेस्ट करके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारी कविता का दौर। चुनाव का माहौल में हमने एक छोटी सी कोशिश की है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इतना ज़्यादा मतदान करिए। मतदान महादान होता है, जैसे कि रक्तदान महादान होता है उसी तरीके से। तो रिक्वेस्ट है, मतदान ज़रूर करिएगा, अपने घर वालों को भी जागरूक करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा। और भी अपन को अपना सब्सक्राइबर्स फैमिली बढ़ानी है, वॉच टाइम मेरा पूरा करना है, चैनल को मोनेटाइज करना है, उसमें मुझे आपकी सख्त ज़रूरत है और आपका साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखना। तो गाइस, आज का इतना ही प्रोग्राम था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।